देंगे यहाँ के लिए रैबिट ना ले आए, छोटे छोटे रैबिट लेके आते हैं, बेबीज लेके आते हैं। बेबी फजूल में अंदर रखा हुआ, ये बेचारे शरीफ है। आ यार तुम्हें लेके चलते हैं हम धूप में। आओ बाहर चलते हैं। ये क्या प्याला टूटा है, किसने तोड़ दिया? इमाम साहब को होश ही नहीं होते। क्यों कहां पर ये बीमार बीमार थे ये? अभी धूप अंदर चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। आज तुम लोगों को खोलूँ ना, 2, 4, 6, 8, 10 क्या करता रहता है समझ से बाहर है। दोस्तों कबूतरों को सारों को ही खोल देते हैं, यह कि ये घूमे फिरे थोड़ा, आज मौज मारे। आ जाओ भाई, आज़ादी से रहो। कल हमने इन्हें जो है ना बॉयल्ड एग डाले थे, देखें आपने इन्होंने कैसे फिनिश किया है। लेकिन ये पानी क्यों गंदा करते हैं यार, बेवकूफ़ है। ये पानी के अंदर कौन सी अच्छी करता है? 1, 2, 3, 4, 5 5 फिंच हमारी बाहर बैठी हैं, 1 फिंच अंदर होगी, वो अंडों पे बैठी हुई होगी। अंडे लाजमी पक्की बात है आज कल में हम देखेंगे, और इन्होंने अंडे दिए भी होंगे ये भी मैं आपको कंफर्म बता दूं। जो हमने इन्हें डाइट दी है ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये अंडे देंगे जल्दी ही। कबूतर सारे बाहर आ गए, आज मैंने कहा ये धूप छूप लगवाएं ज़रा मज़े करें। ओहो ये यार, ये इसीलिए तो मैं खोल नहीं रहा था, इसलिए मैंने खोल नहीं रहा था, खोलता नहीं। मैंने आज 3 दिन बाद खोले हैं, 3 दिन बाद कबूतर खोले। और जो है ना मसला ये है कि अभी भी देखें 11 बजे, इस टाइम अगर ये उड़ के ऊपर जाएंगे, इन्होंने कहाँ से 5 बजे वापस आना है? इनकी परवाज़ मतलब 11 से लेकर 5 तक हो गए 6 घंटे, इनकी परवाज़ 6 घंटे से ज़्यादा है। कुछ कबूतर इसमें ऐसे हैं वो फिर रात को रह जाते हैं, फिर किसी ना किसी बंदे के हाथ चढ़ जाए तो फिर वापसी इनकी मुश्किल हो जाती है ना। और हाँ हाँ मुर्गा, अब इसको भी बेचैनी हो रही है कि यार मुझे भी खोलो, मैं भी बाहर जाऊं, लेकिन तुम्हें नहीं खोलना। कबूतरों का देखिए कोई अंडा वगैरह आया है कि नहीं आया। कोई नहीं अंडा शंडा यार। अच्छा कबूतर ये देखें, इसमें भी मैंने केज में मिट्टी डाली है ना, लेकिन ना पर वगैरह इनके बहुत हो जाते हैं। बाकी केजेस वो देखें, मुर्गों वाला हो गया और वो दूसरा हो गया, क्या नाम है ये डक है हमारी, ये सब हैं। ये भी इनके पर नहीं होते ना तो इतना गंद नहीं होता। और इस केज के लिए हमें कुछ ना कुछ बताएं कि हम क्या लेके आए। पिछला बर्ड के साथ बेचारे के साथ ज्यादती है, इनको छोड़ देना चाहिए अंदर। पता नहीं अयान ने क्यों निकाला है, अयान कहता जी नहीं छोड़ना पापा, पिंकी गंदे नहीं देंगी। देखते हैं हम ट्राई करेंगे, पहले चेक करते हैं ना कि पिंकी 1-2 दिन बाद अंडे दे दें तो फिर हम इनको वापस छोड़ देंगे। दोस्तों कबूतर देखें माशाल्लाह बहुत सारे अभी बैठ गए हैं, मैंने उस टाइम कैमरा ऑन किया, कैमरा ही नहीं ऑन हुआ, इतने सारे थे ये इसी जगह पे जिस टाइम ये उड़े हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म के लग रहे थे, तो ये देखे 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 आ जाएंगे नीचे। कौवे ने डरा दिया इन्हें, फिर उड़ गए हैं। कुछ तो अभी नीचे बैठे ही नहीं थे और जो है ना कौवे ने डरा दिया,
अभी भी टैंकी पे ही बैठा हुआ है कौवा। ये देखें जनाब, माशाल्लाह। अच्छा मैं चाबी लेके आऊँ, हम इसको खोलें अपने मुर्गे को, साथ ही इसका भी उठा दे हम। चलो भाई आ जाओ तुम बाहर, आज तुम्हें मैं लेने नहीं आऊँगा, तुम खुद ही आओ। डब को क्या हो रहा है, डब किस लिए जो है ना हमारी परेशान है। चलो धूप के मजे हो रहे हैं, कोई कलाबाजियां मार रहे हैं, कोई सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तुम लोगों का पानी चेंज करें ये वाला भी, और जो है तुम्हारी ये वाला पानी ये वो गंदा कर देते। देखे घास उगनी शुरू हो गई है इसके नीचे। दोस्तों ये वाला भी मैं किसी दिन आपको विजिट कराता हूँ। ये इधर ही है ना, इसमें तो है, ये रॉ आ गए, इसने सफाई करी है, इसने जो है ना बॉक्स इधर कर दिए साइड में। चक्कर ये है कि वो वाला जो केज है ना उसके अंदर कॉकटेल्स हैं, और कॉकटेल ने अंडे भी दिए हुए थे, लेकिन जिस दिन वो बच्चे बाहर आएंगे ना फिर मैं आपको जो है ना दिखाऊंगा कॉकटेल के बच्चे। किस किस के कबूतर आ गए हैं ऊपर, कबूतरों को खाना थोड़ा सा डालते हैं। मुर्गी हमारी उठ के आ गई थी। ओए तुम लोग किधर पहुंच गए यार, इसके पास हटो, चल तू क्या उसने टेढ़ा कंधा दिखा रही है, भाग इधर भाग। चलो 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 चलो, खबरदार तुम उस तरह गए, उसे खाने दो, उसके बाद पूरा दिन तुमने ही खाना है। चलो उसने बैठ जाना भी जाते, तुम्हें यहाँ ही डालता हूँ, ये दाना डालेंगे। आ जाओ भाई, आ आ आ आ आ, सारे आ जाओ, सारे खाओ। मुर्गा इन्हें मारे ना, हम और डाल देते हैं बिखेर के। चलो चलो भाई, ज्यादा नहीं है हमारे ऊपर, बस आ गए हैं, मेरा ख्याल है नहीं गए। घास खा रहा है ये डाक निकाल निकाल के। ये देखें जो पानी की उसके नीचे, ये पानी वाला गैलन है ना ये रखा हुआ था, इसके नीचे जो उग गई है, ये घास भी खाते हैं डक्स। वो बजी भी आ गया, बजी भी खा रहा है, वाह जी वाह, ये तो मतलब बात ही अलग हो गई। मैंने आज ग्रीन वहाँ से मंगा के ना सामने से घास वो डालता हूँ, और इधर के लिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों मुर्गा मुर्गी को उधर कर देंगे, यहाँ के लिए रैबिट ना ले आए। छोटे छोटे रैबिट लेके आते हैं, बेबीज लेके आते हैं, बेबीज मिल जाए ना रैबिट के तो अच्छी बात है, रैबिट लेके आते हैं हम। यह कि उस वाले केज में रैबिट हो जाएंगे ना अच्छे लगेंगे, छोटे छोटे से वाइट कलर के। दोस्तों धूप में खूब ही मज़े ले रहे हैं ये इन्हें भी 3 दिन बाद 2 दिन बाद निकाला है बाहर धूप में, वरना ये भी अंदर ही बंद थे। और ये कबूतरों का भी हमने 2-3 दिन बाद ही खोला है। कबूतरों का तो मसला ये है ना कि ये फिर मसला हो जाता है, ये आते नहीं हैं वापस। तो आज मैं ये है कि मगरिब तक घर ही हूँ, तो आज मैंने इसलिए खोल दिया कि ठीक है इंतज़ार कर लेंगे, वरना बच्चे ट्यूशन होते हैं और अयान वगैरह। ओहो इसको ये वाली आदत पड़ गई है। ओ भाई तुम्हारे केजी में थोड़ी मिट्टी है जो तुम यहाँ घुस रही हो, चलो भागो भागो यहाँ से। हाथ दे यार इन लोगों पे, कबूतर बाहर आए, इनको मैं बंद करूँ दोनों को। चलो चलो चलो, मैं रोटी ला के देता हूँ, अंदर ही खाना देता हूँ, खबर कर जो। ये कबूतर बाहर आने को तैयार ही नहीं है, ना अपनी कबूतरी को आने दे रहा है।
इसको तो अंडा चाहिए ही चाहिए, बहुत जालिम है ये। वही है जो मैंने आपको दिखाया था डॉन कबूतर। हाँ जी, इस कबूतरी के मुझे बच्चे चाहिए। ये वाली फीमेल में आपको पकड़ के पकड़ी जाए तो थोड़े ऐसे ही दिखाता हूँ। ये देखें, देख रहे हैं, इसके मैंने बच्चे लेने हैं। और जो है ना, ये हमारे पास आए हुए, उसे बहुत सारा दिन हो गए हैं, लेकिन वो जो है ना अंडे दिए ना, पेयरिंग ही नहीं करी उसने किसी के साथ, तो अंडे क्या देगी। ये सारे यहाँ पहुँच गए और इन सब की नज़र है मुर्गी के दाने पे। इन्हें मैं भगाता हूँ। तुम भी चले जाओ। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जो है ना आज ब्लॉग बनाने में पता नहीं मेरा अजीब सा हो रहा है, बोलने को दिल नहीं कर रहा। मैं अक्सर बीच में चुप हो रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ, क्योंकि आज हमारे पास न्यू कुछ भी नहीं है। मार्बल को खींच रही है पाँव से, मार्बल को बार बार खुरच रही है, पागल हो गई है। कबूतर खाना खाने पहुँचे हुए थे, उन्हें नहीं खाने दिया इसने, खुद अब छोड़ दिया। ये देखें, ये बैठी हुई है। मुझे बड़ा शौक है ऐसे ग्रे ब्राउन ब्राउन से सर वाले कबूतर हमारे पास 4-6 हों और जो है ना उड़ते हों, क्या ही खूबसूरती है इनके अंदर। पर ये अंडे बच्चे ही, मैं इसको शाकर अपना दोस्त है मेरा उससे ले के आया ही इसलिए था कि यार अंडे बच्चे लेके वापस दे दूँगा, लेकिन ये किधर जो है ना, ये तो हाँ देखे घूमी है, आप ना आप दिखा रही है आपको मेरी खूबसूरती देखो, लेकिन ये पास नहीं आती ना। ये देखे मैं कितनी दूर बैठा हूँ, ये बैठा हुआ मैं, जूम आउट कर दिया मैंने, तो खूबसूरत है माशाल्लाह बहुत, क्या बात है, नस्ल भी सही है, A1 किस्म की है। दोस्तों लेफ्ट पे वो जो सामने बॉक्स लगा हुआ है ना, अयान का कहना है कि इसके अंदर इन्होंने अंडे दिए हुए हैं फिंचेस ने, लेकिन मैं अब जब ये बैठ के देखता हूँ इधर रोज सुबह ऑब्जर्व करता हूँ, तो उसके अंदर तो भाई ये फिंचेस ना कोई एक पेयर नहीं जा रहा, हमारी 6 फिंचेस, हमारी सारी की सारी 6 की 6 फिंचेस उसके अंदर जाती हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि यार के फिर अंडा दिया हुआ किसने है, और जो है ना ये सारी की सारी जा रही हैं। तो फिर अरे दोस्तों ये देखें, जैसे ये उग आया है घास इस पर, जहाँ ये गैलन पड़ा हुआ था उधर ये घास, अभी ये बहुत ज़्यादा इसने खा लिया, इस तरह इस पूरे के अंदर छोटी 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 घास उग आए, तो क्या ही प्यारी लगे। ओहो डर गई है, कबूतरों से डर गई है यार। सारे के नीचे छोटी छोटी घास उग गए ना, तो ये हमारी तो मैं कहता हूँ 4 चांद लग गए हैं इसको, लेकिन देखते हैं अब क्या बनेगा, जो भी होना है। इसने मेरा खल खा लिया, मैं इसको उठा के अंडों के पास छोड़ूँ। वो देखें कबूतर बाहर इसके दाने पे हाथ साफ कर रहे हैं, और तुम इधर अंडों के पास पहुंचो, चलो चलो चलो। कोशिश करते हैं इस तरफ हमारे कबूतर आए, इधर ज़रा धूप ज़्यादा देर होती है और रहती है, तो इस तरफ को उतरें, ये तो इनके लिए बेहतर है। ये तो खा रहे हैं 3-4 आके, बाकी भी इधर ही आ जाएं तो अच्छी बात है। तो आज की वीडियो हमारी इधर तक ही थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ जी।